सो आई वाज सेइंग कि जो हमारी गवर्नमेंट को रीचेक करना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि अगर मेरे पापा मान लेते हैं बीपीएल में आते हैं और मैं नहीं आती, मेरी इनकम 80,000 हो गई है थ्रू अ प्राइवेट सोर्स, तो क्या हमें वो रीचेक नहीं करना चाहिए कि हमारा बैंक अकाउंट में कितना इनकम है उसके बाद? क्योंकि अगर मेरे पापा बीपीएल में थे तो इसलिए मैं भी अभी तक बीपीएल में ही हूँ। तो हमारी ज्यादातर जो बीपीएल वाले लोग हैं वो ऐसे ही हैं। तो एक थोड़ा सा एक रीचेक होना चाहिए हर चीज का कि कौन किसको सब्सिडी मिलनी चाहिए और किसको नहीं भी मिलनी चाहिए। Actually, when the Mandal Commission was implemented for this reservation system, उसमें उन्होंने पॉइंट रखा था कि जब ये 10-12 साल 20 साल के बाद में इसकी फिर एनालिसिस होनी चाहिए, रिवैल्यूएशन होनी चाहिए, ताकि जिन लोगों को 10-15 साल पहले 20 साल पहले उनको बेनिफिट मिलना शुरू हुआ था, उसके बाद उनकी एक क्रीमी लेयर बन जाती है। यानी वो अभी क्या है, वो अपने सोशली और इकोनॉमिकली अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, उनको अभी सब्सिडी की जरूरत नहीं है या उनको कोटे की जरूरत नहीं है। तो वो चीज़ हमारे इंडिया में अभी तक लागू नहीं हुई है, क्योंकि वही लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि कोई भी मलाई को छोड़ना नहीं चाहता। सीधी सी बात है, फ्री की चीज़ कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए ये प्रॉब्लम है। यही तो ऐसा गरीब लोग के लिए आता है, लेकिन उसमें जो मतलब कि अपनी गुजारा जो कर सकते हैं वो भी लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं कि उनका पैसा बच जाए। वो गवर्नमेंट जो उनको मतलब जो उन लोगों को दे रही है जो उस लायक नहीं है, लेकिन वो भी लोग ले लेते हैं जो उसके लायक होते हैं, वो भी इस चीज का फायदा उठा लेते हैं कहीं ना कहीं, और इसी वजह से उन लोगों तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती है जिनको सच में इसकी जरूरत होती है। जिन्हें सच में इसकी जरूरत होती है उन तक वो चीजें पहुंच नहीं पाती है। ये पॉइंट एक मूवी में भी उठाया गया था, एक मूवी थी हिंदी मीडियम करके, आपने शायद देखी होगी। तो उस मूवी में था कि जो हमारे RTE राइट टू एजुकेशन के थ्रू जो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप भी मिलती है ना, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है। प्राइवेट स्कूल में भी कुछ कोटा होता है, रिजर्व्ड होता है, वो बीपीएल्स के लिए होता है। लगभग 5% से 2-3% सीट्स रिजर्व्ड होती है बीपीएल्स के लिए। तो वो स्कूल्स में वो उनके घर जाके रीचेक नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, पेरेंट्स कुछ अच्छे वेल्दी फैमिली क्या करती है, जो चेकिंग करने आते हैं ना, वो उन्हें ऐसे करप्शन देके पैसे देके अपना कोटा वो उनका कोटा भी ले लेते हैं। क्योंकि ज्यादातर अच्छे स्कूल्स में सारे पेरेंट्स चाहते हैं अच्छे स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ले दे के फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर ही होता है ना कि वो करप्ट मतलब कि वो ले रहे हैं, करप्टेड है। तो उनकी गलती है, हम लोग दे रहे वो भी तो ले रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं इनके वजह से तो बहुत सारे लोगों को वो चीजें नहीं मिल पा रही है। ये अपना जेब भरने के चक्कर में दूसरों का जो वो है काट देते हैं। Okay guys, point taken. Next point. Sir, I want to talk on diplomacy level, international diplomacy level. Yeah. Sure. That is another point. Okay. Yes, sir. So the other point. So basically, India is the largest democratic republic of the world. ठीक है, 3 times bigger than the next largest जो USA है। So basically इसका जो है demographic area भी सही है, ठीक। Like it's a geocentric area अगर देखा जाए, not talking about equator and all, geocentric इस level से कि Indian Ocean region में ये तभी Indian Ocean because of India बोला गया, ठीक है। Indian subcontinent because of India बोला गया, ऐसा नहीं था कि international presence है नहीं। And डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए, यूरोपियन यूनियन, जापान, रशिया और यूएस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। इवन अफ्रीकन यूनियन के साथ, जो बेसिकली साउथ अफ्रीका के साथ इसलिए बेसिकली अच्छा है क्योंकि बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी एंड नेल्सन मंडेला। एंड जो साउथ अमेरिकन नेशंस हैं, जैसे कि आपके ब्राज़ील, पर्टिकुलरली ब्राज़ील, जहाँ पे मतलब इवन द प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो जो पिछले साल के वो थे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट भी थे। एंड अरब वर्ल्ड में इसलिए क्योंकि इंडिया के सबसे ज़्यादा एक्सपेट्रेट्स वहाँ पे हैं। वहीं पे इवन अगर मैं पर्सनल लेवल पे बताऊँ, मेरे फादर वहीं पे काम करते हैं अरब वर्ल्ड में। साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया, सिंगापुर और बाकी कंट्री और आपके थाईलैंड, ये सब कंट्रीज आता है। तो वहाँ पे भी डिप्लोमेसी लेवल पे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, ठीक है। अगर आपको ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द एनवायरनमेंट फेवरेबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया इज इन्वेस्टिंग ऑन इट्स रिलेशन विद चाइना। बीच में कर रही थी Xi Jinping के साथ इनफॉर्मल मीट्स भी हुए थे, इवन एससीओ लेवल की मीटिंग जो शंघाई काउंसिल मीटिंग होती उसमें भी सही था, इवन जो BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव था उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट ले रही थी। बट जो कुछ फैक्टर्स हैं जो बेसिकली इवन 2006 में जो बेसिकली बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया था, मार्च 2006 में US के साथ न्यूक्लियर डील साइन हुआ था, ठीक है, वो बहुत बड़ा वाइटल रोल उस समय बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के साथ बहुत इश्यूज चल रहे थे। एंड बीच में अटल बिहारी वाजपेयी के समय एंड इवन यू नो मनमोहन सिंह जी के समय वी वर वर्किंग फॉर बेटर रिलेशन विद पाकिस्तान। हम अमन की आशा एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, उसके थ्रू हम लोग ने पार्टिसिपेट किया था। एंड यू नो बस सर्विसेज भी क्या बोलते हमने प्रोवाइड की थी स्टार्टिंग में, जो कि कारगिल वॉर में बंद, फिर बाद में बंद हो गए। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से यू नो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी इमेज है, क्लीन इमेज है इंडिया की, जहाँ पे सब अलाय बनना चाहते थे इंडिया में। बट जो फैक्टर्स हैं जो राइज ऑफ इंडिया एज एन सुपर पावर जो अगेंस्ट जो फैक्टर्स प्ले करते हैं वो है लैक ऑफ इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि बेसिकली अगर यूनाइटेड मैं पहले भी आपको मैं बताया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर उसमें परमानेंट मेंबर अगर हम बन जाते हैं तो अभी जो जो बेसिकली अभी 4 से 5 जो कंट्रीज़ हैं आपके US, UK, इटली, जर्मनी, फ्रांस, तो अगर उनके अलावा चाइना भी जिसमें है, क्योंकि उनके पास वीटो पावर है। अगर आपको पता हो, अगर आपने अगर स्टडी किया बहुत अच्छे से तो आपको पता होगा कि इंडिया वाज जस्ट 1 वोट बिहाइंड बिकमिंग यू नो द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी जनरल। बान की मून से 1 वोट से अंडर सेक्रेटरी जनरल जो उस समय के थे शशि थरूर, वो हारे थे बिकॉज अपनी एलाई यूएस ने उस समय उन्होंने वीटो पावर दिया था। So US is really a very क्या बोलते हैं a strategic player। वो बस अपने काम से मतलब रखती है। हर बार हमको अच्छे टाइज चाहिए, स्ट्रेटेजिक टाइज चाहिए, बट ऐसा नहीं चाहिए कि हमें बस US के ऊपर पूरे तरह से डिपेंडेंट रहना। ओके, सो लैक ऑफ इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन की जिसके बारे में बताया, जिसमें इंडिया अभी भी पीछे है, अभी बात चल रही है, बट वहाँ पे चाइना बार बार वीटो पावर लगा दे रही है अपनी। कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, इंडिया जितने भी अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन बताती है, बट वो बहुत यू नो इफेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्स कल्चर, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रिलीजन यहाँ पे रह रहा है या एक कास्ट के लोग रह रहे हैं या यू नो एक कलर के लोग रह रहे हैं, यहाँ पे एक डाइवर्स नेशन डाइवर्स एरिया इंडिया है। तो वो क्या रहा है कि क्लैशेज हो रहे हैं, जो बेसिकली जो हो रहा है, जो अलग अपने अपने इंटरेस्ट ग्रुप वाले अपने अपने खड़े हो जा रहे हैं अपने अपने राइट्स के लिए, कोई भी दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा है। ठीक, अगर अभी जैसे कि देखा जाए तो बॉलीवुड है, बॉलीवुड बस अपने बारे में देख रहा है। बॉलीवुड ये नहीं कर रहा है कि हाँ इंडिया को कैसे क्या बोलता है अपने थ्रू एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन करें थ्रू सॉफ्ट पावर, जो US बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। वी आर लैगिंग बिहाइंड सॉफ्ट पावर। US कैसे इतना आगे अपना अमेरिकन ड्रीम लेके जा रहा है बिकॉज ऑफ McDonald's, KFC, इफ यू टॉक अबाउट Starbucks, क्यों लोग वहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्यों नहीं आप निर्ला में जाके खा रहे हैं लोग, क्यों नहीं आप यू नो जो इंडियन स्ट्रीट फूड इंडियन जो थिंग्स हैं, क्यों नहीं आर्यंस में जो लोग जाके क्यों नहीं खा रहे हैं, क्यों उनको मैकडी में जाना है, क्यों उनको यू नो वहाँ पे, क्योंकि वो लोग अमेरिकन ड्रीम जी रहे, क्यों हॉलीवुड लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्यों मार्वल ज़्यादा पसंद करते हैं, क्यों नहीं हमारे चित्रकथा क्यों नहीं पढ़ते लोग, क्यों अमेरिका बेसिकली डोमिनेट कर रहा है एज अ सॉफ्ट पावर, मतलब हर जगह हाँ, देखा जाए तो हर जगह अपने हेलो उसी में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, लाइक वेयरिंग सिस्टम, क्लोथिंग का सिस्टम, जीन्स, डैमेज जीन्स, फूडिंग वगैरह सब वहीं से अमेरिका पर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फेमस हो रहा है। इंडिया का जो ये अगर ऐसा देखा जाए तो हम तो सारा वेस्टर्न कल्चर ही अपना रहे हैं ना। हाँ, वही चीज कल्चर ही हमारे अंदर आ रहा है, वही चीज गलत है, बट एक तरह से वो डोमिनेटेड है, सॉफ्ट पावर डोमिनेटेड है ये, मतलब यूज करना किसी चीज को अपनाना इज नॉट अ बैड थिंग, मतलब हम लोग हर एक चीज को जाने, हर एक चीज को यूज करें। एक रैशनल तरीके से कोई भी चीज यूज दैट्स गुड. Neha ma'am wants to talk. You can go. Yes, Neha, you can. I think you all were talking about clothes, no clothing. So I'm having a lot to say, but from where to start? So you all were talking about, so I'll also continue on that only. So we were talking about political obstacles for the factors against rise of India as a superpower. Diplomacy level pe baat. Akhil, can you please tell me in a nutshell, like you all have talked about, you have covered the history of India, or why no, today India? You haven't covered it. We have talked about superpower as an economy, in infrastructure, in international presence, in diplomacy, many things we have covered, in also in military. Presently we are talking about obstacles. Okay, I would like to tell you one thing, that till now everyone expect that India is in a way to become a superpower. Like they were expecting that till 2020 definitely India is just going to become, but we are now we can see that the assumption was actually wrong. So the thing is that President APJ Abdul Kalam in 1986 he in 1998 he wrote a book, and there was one more scientist, I didn't remember his name. He was also very famous scientist. So they both actually wrote a book, and in that they have made many productions. They have predicted that till 2008 India is just going to become total. It is just going to be free from poverty, but there were many assumptions which were they have not been true. But the thing was that in 2002, when Vajpayee he became the president, so in his independence speech, what he did that he said that the limit which was just made to 2020. I'm wrong somewhere. Okay, sorry. He said that till 2020 India is just going to become a superpower. But what happened that if you are just going to see a dream and you are not going to show a path, or you are just not going to do something on that, तो वो पूरा नहीं होने वाला ना. So APJ Abdul Kalam did his work. He showed कि हाँ India will become a superpower. But now today it is just being predicted that now till 2050 India is just going to be a superpower. So the thing is that whether it was till now only America is it is not there that America was only the superpower. Before the World War, Russia and the Soviet Union, they before the World War only. Before the World War, they wait a second. लंबी सांस लीजिए, शांत हो जाइए. Actually, right now only I just came running and I thought my GD would be going on. So that भूल है, I think so. See, I just want to continue your point. आप थोड़ा सांस ले लो, मैं थोड़ा continue. Okay. अच्छा नेहा. No, wait. नेहा. Yes. हेलो नेहा. Just listen. ये हमारी तीसरी मीटिंग है अभी. ये थर्ड मीटिंग है. 120 मिनट्स की बनने वाली है. हमने डिस्कस कर लिया है कि इंडिया को कैसे सुपर पावर बना सकते हैं. अब हम डिस्कस ये कर रहे थे कि इंडिया को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए हर्डल्स क्या हैं. तो हम ये लास्ट पॉइंट पे हैं. आप लोग जल्दी कंक्लूड कीजिए, उसके बाद फिर मैं कंक्लूड करता हूँ. ओके, टाइम होने वाला है. ओके सो कंटिन्यू. एनीवन कोई बीच में बोल भी रहा था. See, the thing, hurdles. There are actually many hurdles for India. First of all, the thing is poverty. India is it is in a very critical phase in poverty. Till before this corona, actually it was we can say that it was okay, but not in a good position. But as this corona came, it is expected that they around 21.9% approx India's population. Like right now it is just below the living below the poverty line, and definitely many people are just going to go and the second thing is that there is in government work there is actually a lot of red tapeism. Right now if you are just going to go anywhere, you are just going to see, you are just going to find corruption, red tapeism everywhere. So jo kaam like the work which is just going to be completed in a day, it is just going to take a month. So this is a very big problem, I think, which on which the government should work. And the next thing is that like there is a problem of disorganization. Like there are many things I think India should work, like infrastructure is also a very big problem for India. Like today the roads are like they make, and after 1 month if you are just going to see it, they are just, you are just going to find like it's in a very bad condition. So and yes, the very big thing which is it's the health. So I know India is still working in this line, and just because after this corona time, I think definitely we are just going to see many good things. Like we are just going to see like upgradation in the health sector, but still India is like it needed to work a lot for in the health sector. And what when someone laughing? Am I saying something wrong? No ma'am. You are laughing and popping your lip. को आप कह सकता आपके पास खतरनाक आदमी. You are laughing and popping up to your vein. ऐसा लग रहा है कि इसके बाद चांस नहीं मिलेगा. हमको बोलने का मौका नहीं मिलेगा. No. अरे यार you all can speak. Okay, moderator. What is the time left? How much time is left, moderator? Okay, and hello okay 10 minute पहले ही पता चलेगा. You also need to क्यों so India also need to work on the science and technology sector. I would like to tell that right now like there in 2014 NASA was like ISRO, I was saying NASA. ISRO was like it was not getting very much fund, but right now like the actually सबसे बड़ी बात हमारे पास है demographic sector. We are the second largest population in the world. 50% of us are below 24 years. 65% of us are below 35 years. That means is our country is a young nation. और इसलिए हमारे पास एक large working force है हमारे पास. दूसरी बात global diaspora. हमारे पास ऑल वर्ल्ड में 35 मिलियन इंडियंस हैं, खासकर यूएसए और यूके में. तो हमारे मतलब लोग इतने इंडियन जो माइग्रेंट्स इंडियंस हैं, जो अप्रवासी भारतीय हैं, वो बहुत अच्छे अच्छी पोजिशन में. अभी आपको पता है ऑलमोस्ट उपराष्ट्रपति की होड़ में भी है कमला हैरिस, है ना. तो इस तरह से उनका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है. तीसरी बात एनर्जी के क्षेत्र में अभी जो वर्ल्ड है वो फॉसिल फ्यूल ऐसे भी बाहर निकल रहा है, और हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के एज में जा रहे हैं. और यह भविष्य में पॉसिबल होगा तो फ्यूजन पावर एज में, और इंडिया इसमें काफी तरक्की कर चुका है. यू नो सनलाइट, विंड पावर, जो भी चीजें इसमें इंडिया काफी आगे निकल चुका है. इसके बाद हमारे पास क्या है, फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स. अभी बात किसी ने फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स में वर्ल्ड में इंडिया की सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग या स्पीकिंग पीपल की हमारे पास जनसंख्या है जो कि इंग्लिश समझती है. इसी तरह से हमारे पास काफी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और अदर की प्रोफेशनल्स हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो समझ सकते हैं. तो ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ी पावर है. और पॉलिटिकल सेक्टर में हमारे पास वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हम लोग, और जो कि नेक्स्ट जो डेमोक्रेसी है अमेरिका, उससे भी हम लोग 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़े हैं, और हमारे कंसिस्टेंटली हर बार चुनाव हुए हैं. उसके बाद इसी कारण से हम लोग कैंडिडेंसी फॉर सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के लिए हमारी दावेदारी है. फॉरेन रिलेशन में हमने आपको देखा है कि आपने हमारे पास हमने शुरू से नॉन अलाइन मूवमेंट को हमने सपोर्ट किया है. अभी किसी ने बात की थी लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश में भी हमारा हाथ था. इसके अलावा हमने मालदीव में भी कार्रवाई किया है, हमने श्रीलंका में भी कार्रवाई किया है. इसके अलावा यूएन मिशन के लिए हम लोग पहले से कंट्रीब्यूट करते रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा कारण है. और दूसरा हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो मल्टीपोलर है. हम किसी एक मतलब किसी वर्ल्ड पावर के ऊपर डिपेंड नहीं है. हमारे ऑलमोस्ट चाइना को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास वर्ल्ड पावर्स हैं तभी से हमारे अच्छे रिलेशन हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो 2050 तक हमारा जो देश था वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट थी ऑन टर्म्स ऑफ पीपीपी यानी परचेज पावर पैरिटी के आधार पर, और फिफ्थ लार्जेस्ट थी एज पर जीडीपी। ओके, और प्राइमरी सेक्टर है हमारा, जो प्राइमरी सेक्टर है चाइना के बाद सबसे बड़ा प्राइमरी सेक्टर है हमारे पास। हम लोग वर्ल्ड में चाइना के बाद सबसे बड़े हम लोग क्या है, हम लोग फूड प्रोड्यूसर्स हैं। और इससे हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी बूमिंग सेक्टर है, सबसे ज़्यादा वो लोगों को रोजगार देता है। और साइंस और इंडस्ट्री के इसमें IT इंडस्ट्री हम लोग अभी हब बन चुके हैं, तो वर्ल्ड में हम लोग IT सुपर पावर के नाम से पहले ही फेमस हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत अच्छा डेवलप हमारे पास स्पेस प्रोग्राम है हमारे पास, इसके जिसमें कि आपको पता ही है, उसके बारे में उपलब्धि बताने की जरूरत नहीं है। राइट फ्रॉम द लॉन्च ऑफ आर्यभट्टा से लेके हमने जो मार्स के मिशन है, जो मंगलयान तक हमने वर्ल्ड को अपनी ताकत दिखाई है, वो भी एक बहुत कम पे। जैसे आप सभी को मालूम है कि जो इंडिया का जो मंगलयान जो अभियान था उसकी कीमत कितनी थी, उसकी कीमत सिर्फ उतनी थी जितने में एक अमेरिका का F-16 फाइटर आ जाता है, उससे कम कीमत पे, यानी 350 करोड़ की कीमत पे हमने इसको पूरा कर दिया था। इसके बाद हमारे पास वर्ल्ड के कुछ रिनोड और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, IIM है, AIIMS है, उसमें IITs हैं, तो ये हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट हैं, तो इसमें हमारे पास बेस्ट ब्रेन है। इसके बाद हमारे पास बहुत अच्छे मैप्स ट्रांजिट सिस्टम है, आपको पता है रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ना, लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है हमारे पास, मतलब सेकंड लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है वर्ल्ड का, और ऑलमोस्ट 4th या 5th नंबर पर सबसे बड़ा हमारा हाईवे सिस्टम है। तो इसके कारण से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। जैसे टूरिज्म, अभी किसी ने टूरिज्म की बात की थी, टूरिज्म भी इंडिया उसमें वर्ल्ड की टॉप 5 डेस्टिनेशन में है इसमें, और इसमें हमारे 6% GDP कंट्रीब्यूशन देता है, और इसमें हमारे 40 मिलियन पीपल हमारे एम्प्लॉय हैं। और इसके साथ में अभी अखिल ने एक बात की थी बहुत अच्छी, मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भी इंडिया काफ़ी आगे है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि जो अपना इलाज है वो सस्ता पड़ता है, इससे आपके जो खासकर वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं या जो लोअर मिडिल इनकम के हैं लोग, वो लोग आके यहाँ पर इलाज करते हैं। उसके बाद हम मिलिट्री ताकत की बात करें तो अभी हमने बात की थी कि वर्ल्ड की 2nd सबसे बड़ी लार्जेस्ट एक्टिव आर्मी हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास अपने इसके अलावा हमारे पास अभी अपना खुद का हमारे पास इंटीग्रेटेड वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा, जिसके तहत हमने पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश मिसाइल हमने डेवलप किया है। इसका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हमारे पास है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम लोग खुद के हाँ एंटी सैटेलाइट हमारे पास हैं, इसको AAD बोलते हैं। अभी हमने जस्ट अभी हमने एक हाइपरसोनिक सिस्टम की अभी हमने क्या टेस्ट किया थोड़े दिन पहले, जो की आवाज से गुना स्पीड से जा सकता है या DRDO ने। अगर हम हिस्ट्री कल्चर की बात करें तो अलॉन्ग विद मेसोपोटामियन कल्चर, इंडिया की जो कल्चर है वो वर्ल्ड की 2 सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। हमने सबसे पहले नंबरिंग सिस्टम हमने शुरू किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो हमारे यहाँ से इन्वेंट किया गया है, लॉजिक, ज्योमेट्री, बेसिक अलजेब्रा हो गया, आपका कैलकुलस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, हमारे यहाँ पर डेवलप हुई है। और इसके अलावा रिलीजन्स की बात करें तो हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म हमारे यहाँ पर पैदा हुए हैं। उसके अलावा हमने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुदाइज्म, जोरेस्ट्रियनिज्म, बाई फेथ, इन सभी को अपनाया, इन सबको मिलकर हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कल्चर और रिलीजियस हार्मनी बनी है। इसके अलावा हम सिनेमा की पावर को भी हम लोग नकार नहीं सकते, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ी फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की है, और वर्ल्ड वाइड हम लोग 3.6 बिलियन टिकट हम लोग क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं। और सिनेमा के थ्रू हमारी एक सॉफ्ट पावर है, इसको हम क्या करते हैं किसी दूसरे वर्ल्ड पे हम लोग क्या करते हैं अपनी बात पहुँचाने में, ये भी बहुत बड़ी मदद करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है ऑलमोस्ट, यहाँ पर मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल और मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज है, तो हम लोग एक साथ रह रहे हैं यहाँ पर। और हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हम गर्व कर सकते हैं, जिसमें हमें डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, आपका स्ट्रीम फॉर ह्यूमन राइट्स है, आपका रैशनल्स हैं यहाँ के लोग, है ना। यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ SC और ST के पर उसमें हमने काफ़ी ध्यान दिया हुआ है, टॉलरेंस है यहाँ पर, प्लुरलिज्म है, रीजनिंग है, तो ये काफ़ी सारे रीजन्स हैं जो कि हमें एक सुपर पावर बनने के लिए मदद करेंगे। बट अब हाइकअप्स की बात करते हैं, अगर कुछ आगे बढ़ाने वाली बातें हैं तो आगे रुकने वाली बातें भी हैं। सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म है, आपको मालूम है दो जगह पे चल रहा है हमारे यहाँ पर, तो उसमें आपका ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न स्टेट्स में हमारा क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पर काफ़ी पुरानी इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम चल रही है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। इसके अलावा हमारे 2 हॉस्टाइल्स हमारे नेबर्स हैं, चाइना और पाकिस्तान के तौर पे, जिससे भी हमारे क्या है कि हमारे जो सुपर पावर बनने की एस्पिरेशन है उस पर भी हमारा डेंट लग रहा है। और उसके बारे में हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है काफी पुराने, जैसे जजिशरी है, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, इसमें इनका डिक्टेटोरेशन है, इनका पब्लिक इनमें डिक्टेटोरेशन है, करप्शन है, चाहे जो भी बोल लो आप, ये चीज है यहाँ पर। और हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, चलो ठीक है, हम वर्ल्ड की सेकेंड सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, बट इट इज ओपन टू करप्शन। अच्छा, ये कोई बात कर रहा है चुनाव के खर्च की, चुनाव का खर्च आपको पता ही है कितना आता है, सबको मालूम है। जो 5 करोड़ की जो एक एमपी की एक सालाना जो मतलब सॉरी एक बार में खर्च करने की जो की लिमिट है, उससे कितनी ज्यादा लिमिट एक्सेस में पैसा खर्च होता है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात था कि रिच और पुअर में बहुत बड़ा गैप है। जो ग्रोथ है इंडिया में, ग्रोथ तो हो रही है, हम बोलते हैं ग्रोथ है 7.5% 8% हम बात करते हैं, लेकिन यस यस बिल्कुल। अभी लेटेस्ट मैंने एक साल पहले कहीं पढ़ा था कि 3% के पास इंडिया के 54% उनके पास रिसोर्सेज हैं, इंडिया के 3% के पास। और आप वो देख सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग देख रहे हैं, उनको सबको पता है वो। तो हम लोग डेवलपमेंट करने के चक्कर में हमने क्या कर दिया कि एनवायरमेंट को हमने सस्टेन नहीं किया, हमने एनवायरमेंट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। इंडिया आपको पता है एक सब कॉन्टिनेंट है जिसकी हिमालय ऑन द नॉर्थ है, इसके अलावा हमारे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में हमारे बहुत ही मतलब डाइवर्स उनके मतलब इकोनॉमिक मतलब भूम एक सिस्टम है उधर पे, तो हम उन सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये हमारे लिए आगे जाके बहुत मुश्किल करेगा। और इसके बाद मीडिया है, जो मीडिया को जिसको कि 4th पिलर ऑफ क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो ये जो चीज है ये भी इसमें क्या, इसकी भी एक उदासीनता है, इसका अपना कुछ एजेंडा है, चाहे वो सरकार के साथ मिलके है, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके है, चाहे किसी आपके मीडिया हाउस के साथ मिलके, इनका कुछ एजेंडा अपना का जो कि ये अपने हिसाब से चलाते हैं। और जिस तरह से मतलब जितना इनको सीरियस होना चाहिए उस तरह से इतना सीरियस नहीं है। तो इसमें क्या है कि मीडिया किसकी आवाज मानी जाती है, मीडिया आवाज मानी जाती है जो वंचित है, गरीब है, जो हाशिए पे आदमी है, जब उसकी बात नहीं सुनी जाएगी इस देश में तो किसकी सुनी जाएगी। ओके, तो इसके खिलाफ भी गुस्सा उबल रहा है। उसके बाद अभी किसी पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट इंडिया में, उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी सस्टेन होती नहीं है, नई गवर्नमेंट आएगी 5 साल के बाद उसको वो चेंज कर देगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पर कोई बाहर का देश विश्वास नहीं कर सकता। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पॉलिसी बनाई है, 5 साल तक ये गवर्नमेंट रही तो ठीक है, उसका नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाएगी वो पॉपुलिस्ट मेजर्स के तहत उसको हटा सकती है। तो जैसे अभी आपने देखा एग्जांपल था उड़ीसा में फोक्सको कंपनी किया था, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस कारण से फोक्सको को वहां छोड़ना पड़ा, जबकि वो $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था, बहुत बड़ा। उसके अलावा है आपकी हमारी सोसाइटी में सबको भाषा के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, जेंडर के नाम पे, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो आस्ते आस्ते हमारे देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपके कहते छोटे छोटे देश बन गए, सभी के आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो किसी को सबको मालूम है। तो ये एक बहुत बड़ी क्या है हमारे पास दिक्कत हो रही है। उसके अलावा फिर हमारे पास है ओवर पॉपुलेशन। हमारा ऑलमोस्ट हमारे पास लैंडमार्क है वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हमारे पास शायद पॉपुलेशन है, तो ये हमारा इतना सस्टेन नहीं कर सकता है। ओके, क्या है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की और ये आपको अभी कवर किया था उससे पहले। और इसके अलावा हमारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं नेबर्स के साथ, इवन चाइना और उसको छोड़ देता हूँ, इसके अलावा भी हमारे डिस्प्यूट श्रीलंका के साथ भी है, हमारे बांग्लादेश के साथ भी है, इवन भूटान के साथ भी हमारे डिस्प्यूट हैं अभी भी। ओके, हाँ, इवन नेपाल के साथ भी है। और हमारी अभी जैसे कि हमारी ठोस तौर पे हमारी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, जबकि एक सुपर पावर बनने के लिए होनी चाहिए, स्पेशली हमारी यूएनएससी में नहीं है, यूनाइटेड नेशंस, ओके, यूनाइटेड नेशंस पहुंचे में नहीं है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स में पॉवर्टी की बात आ गई, 22% हमारे लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, इसको मालूम है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बेशक हमने बहुत डेवलपमेंट किया लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी आपको पता है बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमजोर है, जिसमें इंक्लूड है हमारा हेल्थ सेक्टर भी और एजुकेशन सेक्टर भी, हाउसिंग भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना। तो और इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की बात ही ना करें, इलिटरेसी है हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट है, कम्युनल वायलेंस है, सोशल ड्रामा, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या कि ये सब चीजें मिलकर हमारे एक डेटरेंट है। तो ये सब चीजें अगर आप देखें, हमने बात कर ली आज कि किस प्रकार से हम सुपर पावर बनने की हमारे में खूबियां हैं, बहुत सारी क्षमता है, लेकिन उसके अलावा हमारे डेटरेंट्स नहीं है। तो हम लोग इनको अगर सॉर्ट आउट करेंगे तब जाके हमारे देश वाकई में सुपर पावर बनेगा। सुपर पावर बनना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत टाइम लगता है, किसी के बोल देने से नहीं होता, इसके लिए सबको काम करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली कौन मैटर करता है, पीपल, वी द पीपल। इफ वी आर डिसिप्लिन, इफ वी आर एक्चुअली डिटरमिन्ड, अगर हम एक तरीके से सोचें, एक ही तरह से काम करें, डिसिप्लिन रहें, रूल्स को फॉलो करें, तभी हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, नहीं तो सुपर पावर बन सकेगा, नहीं तो ये राह थोड़ी सी कठिन है। ओके, विद दिस आई वांट टू कंक्लूड एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू टू टेक पार्ट it has been